वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की वीडियो आपको दिखाने वाले हैं मारुति सुजुकी SX4 में 9 इंची एंड्रॉइड लगाने का पूरा प्रोसेस, किस तरह से हम इसमें 9 इंची एंड्रॉइड लगाते हैं, कंपनी फिट प्लेयर किस तरह से दिखता है। तो हम जो प्लेयर उसमें लगाने वाले हैं वो है ये 9 इंची एंड्रॉइड प्लेयर। इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हो, फुल HD वीडियो इसमें चलती है। और आपको दिखाते हैं, हमारे पास आ चुकी है SX4 जिसमें हम लगाने वाले हैं प्लेयर। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो गाड़ी मारुति सुजुकी SX4, ये ओल्ड मॉडल है SX4। और हम आपको दिखाते हैं कंपनी फिटेड जो प्लेयर है उसका लुक ओरिजिनल इस तरह से आता है। ये कंपनी फिटेड प्लेयर है जो ओरिजिनल SX4 में लगा हुआ आता है। तो आपकी गाड़ी का जो सेम जो लुक होगा ओल्ड कंपनी फिटेड इस तरह से होगा। किस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे ये आपको बताते हैं। ये पार्ट पूरा चेंज होगा। सबसे पहले साइड के जो क्रोम पैनल हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर स्क्रू होंगे जिसको निकाल के हम अपना फ्रेम लगाएंगे एंड्रॉइड प्लेयर के साथ। बैक साइड कैमरे की बात करें तो हम पीछे बम्पर के सेंटर पे लगाने वाले हैं, वो दिखाते हैं आपको लास्ट में इंस्टॉलेशन के बाद। तो हमारे पास रेडी है SX4 का प्रॉपर 9 इंची एंड्रॉइड का फ्रेम। किसी भी गाड़ी में एंड्रॉइड लगाने के लिए उसका प्रॉपर फ्रेम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे पास प्रॉपर इसकी वायरिंग है जिससे सॉकेट टू सॉकेट हम वायरिंग करेंगे और फ्रेम रेडी है। साइड के पैनल निकालने के बाद इसमें साइड में 4 स्क्रू होते हैं। इन 4 स्क्रू को रिमूव करके इस फ्रेम को ऊपर से लगाया जाता है और उसी फ्रेम में एंड्रॉइड को फिटिंग कर दिया जाता है। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसके 4 स्क्रू को रिमूव करेंगे जिससे कि गाड़ी का जो ओरिजिनल प्लेयर है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके जो इसकी ओरिजिनल वायरिंग होती है उसको रिमूव करेंगे और आपको दिखाते हैं कि अगली वायरिंग हम किस तरह से करेंगे। तो हमने 4 स्क्रू निकाल दी है, प्लेयर को इस तरह बड़ी ही आसानी से हम निकाल लेंगे। ये एंटीना का केबल है और ये ओरिजिनल प्लेयर का केबल है जो हमने ये निकाला है। तो प्लेयर हमने निकाल लिया है, ये है आपका ओरिजिनल प्लेयर कंपनी फिटेड। और ये जो ब्लू वाला जो सॉकेट आप देख रहे हो इसी के अंदर हमारे एंड्रॉइड को सॉकेट को लगाया जाएगा। सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग करने का यही तरीका इजी होता है। ये देखिए, ये हमारा एंड्रॉइड का सॉकेट है और गाड़ी के सॉकेट में इस तरह से प्लग इन कर दिया जाता है। और ये एंटीना का केबल डायरेक्ट प्लेयर के अंदर जाएगा। किसी भी तरह की गाड़ी की कोई भी वायरिंग हम कट नहीं करते हैं। तो चलिए प्लेयर को अनबॉक्सिंग करते हैं जो हम प्लेयर इसमें लगाने वाले हैं। ये प्लेयर है 9 इंची डिस्प्ले, 2 GB रैम, 16 GB इनबिल्ट मेमोरी। साथ ही आपको बता दें गाड़ी कितनी भी पुरानी हो सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग में स्टीयरिंग कंट्रोल भी प्रॉपर वर्क करेगा। हमारे पास ये प्लेयर है, ये TS7 प्रोसेसर है, 2 GB रैम, 16 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ ये आता है। तो SX4 के फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने बैक साइड से स्क्रू लगा दिए हैं प्लेयर के अंदर। प्लेयर को फ्रेम के ऊपर रखा और बैक साइड से 4 स्क्रू हमने लगा दिए हैं जिससे प्लेयर फ्रेम के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो अब बारी आती है वायरिंग की। हमारे पास है USB केबल्स, ये देखिए 2 USB केबल इसमें आती है जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। डैशबोर्ड की जो डिग्गी होती है लेफ्ट साइड की वहाँ पे ये शो होगी, यहीं पे आपका पेन ड्राइव लगेगा। ये जो केबल है ये वर्क करती है माइक के लिए, और एम्प या बूफर आपको लगाना है तो ये केबल आपको काम लगेगी। ये वाली जो केबल है ये रिवर्स कैमरे के लिए होती है। तो मेन पावर सप्लाई की केबल लगाने से पहले हम सारी केबल्स लगा देते हैं, जैसे कि हमने एम्पलीफायर और माइक की केबल लगाई, उसके बाद कैमरे की, और अब लगा रहे हैं हम USB केबल। ये USB की केबल है, इसका दूसरा पार्ट डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड की जो टिग्गी होती है बॉक्स उसके अंदर आएगा। उसके अंदर आप पेन ड्राइव लगा के सॉन्ग वीडियो सॉन्ग सुन सकते हैं। प्लेयर में 16 GB मेमोरी भी है, आप उसके अंदर भी सॉन्ग वीडियो सॉन्ग मूवीज रख सकते हैं। ये केबल आपने देखी है, ये जो है ये सारी हमने अच्छी तरह से इसमें लगा दी है। और अब लास्ट में बारी आती है मेन सॉकेट की। यहाँ हमने मेन सॉकेट लगाना है, ये देखिए इस तरह से ये मेन सॉकेट होता है। इसमें मेन पावर होती है की और डायरेक्ट सप्लाई, पॉजिटिव निगेटिव स्पीकर सारे इसी में ही होते हैं। तो जैसे ही हम ये सप्लाई मेन लगाते हैं इसके बाद चाबी ऑन करने के बाद हमारा प्लेयर जो है ऑन हो जाएगा। लास्ट में हमारा एक ही केबल बाकी है, वो है एंटीने का, ये भी हम इसमें लगा देते हैं। और ये देखिए प्लेयर रेडी है हमारा। इस तरह से ये प्लेयर इसमें रखोगे और जो स्क्रू हमने शुरुआत में 4 खोले थे एक एक करके 4 स्क्रू लगा देंगे। प्लेयर फिटिंग हो चुका है, वायरिंग पूरी हो चुकी है, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं है। ये देखिए हमने की ऑन करी है और ये प्लेयर जो है आप इसका लुक देख सकते हैं। तो SX4 में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। ये आप देख सकते हैं इसमें एक सैंपल वीडियो है, फुल HD वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आपको इस किसी भी एंगल से देख सकते हो, आपको व्यू सेम मिलेगा।
प्लस फ्रेम का और फिटिंग का भी आप लुक देख सकते हैं, पास से पूरा 00 फिनिशिंग के साथ आता है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल ऐसा लगता है प्रॉपर कंपनी से लगा हुआ है। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो ये देखिए स्टीयरिंग कंट्रोल प्रॉपर वर्क कर रहा है, और ये प्लेयर का जो फाइनल लुक है आप देख सकते हो किस तरह से प्लेयर का जो लुक है आफ्टर इंस्टॉलेशन आया है। तो आपने लुक देखा, बिल्कुल 00 फिटिंग आई है इसकी, कंपनी फिटेड जैसा ही लुक दिखता है। आपको स्टीयरिंग कंट्रोल एक बार करके दिखाते हैं, ये देखिए प्लस माइनस रिवर्स फॉरवर्ड सारे बटन इसके प्रॉपर वर्क करते हैं। तो अब वीडियो के लास्ट में आपको दिखाते हैं रिवर्स कैमरे का लुक किस तरह आता है। ये देखिए फुल HD व्यू के साथ आपको रिवर्स कैमरा चालू हो चुका है। इसमें हमने डाला है नाइट विजन फुल HD कैमरा, जिसका लुक आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। रिवर्स करने के बाद ही ऑटोमेटिक ही रिवर्स कैमरा चालू हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।